इधर हेडिंग डालें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वैसे पूरे चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये पूरे चैप्टर का नाम, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो पहले फोकस करते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे। अच्छा एल्डिहाइड्स क्या होते हैं ये तो हम सबको पता है। तो CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है और एक क्या लगा हुआ होता है H, एंड कीटोन CO, कीटोन क्या होता है CO। दोनों साइड पे क्या लगे होने चाहिए, कार्बन अल्काइल ग्रुप्स, वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, मतलब कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड हो और एक OH, कोई दिक्कत क्लियर। तो अब देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले नॉमनक्लेचर की बात कर लेते हैं। अगर हम नॉमनक्लेचर की बात करें, इसके अंदर जो Ne9 हम लिखते हैं उसका जो E है वो हटा दिया जाता है, एंड E हटा के हम क्या लगाते हैं, अल। एल्कोहल में ओन लगाते थे, एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, अल। इसमें क्या लगाते हैं, ओन, एंड इसमें क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। लेकिन ये तभी लगाते हैं अगर हम इसका कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर पाए। इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन लॉन्गेस्ट चेन, जो अपना कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का उसको हम किस में इंक्लूड कर पाए, लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करेंगे तभी हम ये यूज करते हैं, अदरवाइज किस तरीके का नॉमेनक्लेचर यूज नहीं करें। कोई डाउट? कहने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हें कोई कंपाउंड आए ऐसे वाला, या तुम्हें कोई कंपाउंड आए CH3COCH3, या फिर CH3COOH। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन ये है दो कार्बन की, फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना है, तो दो कार्बन की चेन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, ई हटा के वन पे क्या लगा है, अल। कोई दिक्कत? एंड अगर हम इसकी बात करें नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तो तीन कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, एंड टू पे क्या लगा है, ओन। इसकी बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर वन, नंबर टू, तो दो ही कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, एंड वन पे ही क्या लगा है अपना, कोई कैसे। तो ये तब होता है अगर लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन है वो इंक्लूड कर देते हैं, कोई दिक्कत। एंड इनका एक कुछ कॉमन नेम्स भी हैं, जो तीनों स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, या फिर एसीटोन, इसको प्रोपेनोन भी बोल दिया जाता है। टू लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कीटोन बनाना है पता है कि वो बीच में लगा होगा, क्लियर।
यहाँ पे टू लगाना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि कोने में तो लग नहीं सकता, अगर कोने पे सीओ लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। कीटोन बनाने के लिए कहाँ पे लगाना पड़ता है, बीच में ही लगाना पड़ेगा। एंड इसको तो हमें पता ही है प्यार से क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्लियर? मतलब जो हम आज तक नॉमेनक्लेचर पढ़ते आए हैं, अल्कोन और ओइक एसिड, ये तभी होता है अगर हम जो कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर दें। नोट कर दो इसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसा कोई कंपाउंड दे देता हूं CH2COH, एल्डिहाइड की ही बात करते हैं फिलहाल, CHO कर लेते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बताएं इस कंपाउंड का नाम। डाई एसिड एल्डिहाइड। अरे शाबाश, ये हो ना दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाली बात। डाई तो होगा, डाई एसिड एल्डिहाइड। श्री मुझे कहाँ आती है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिदम। रक्षिता नहीं, क्या हो गया? डाइथाइल एसिड ले लिया। अरे कमाल कर, तुम लोग कमाल के स्टूडेंट्स हो। हाँ भी आदित्य नहीं, इथेन कहाँ से आ जाएगा? ब्यूटेन 1.4। क्या कर रहे हो, लॉन्गेस्ट चेन ही तो है, 1, 2, 3, 4। क्यों नहीं काउंट हो रहा? जब लॉन्गेस्ट चेन में दिख क्या नहीं रहा इसमें, क्या दिक्कत है? लॉन्गेस्ट चेन ये तो नहीं, तो ब्यूटेन 1.4 डायल, क्या दिक्कत थी इसमें? अभी तो कुछ कराया ही नहीं था इंपॉर्टेंट ऐसा, क्या हो गया? क्या सोच रहे थे, अलग ही कंसेप्ट लगाने में गया था तुम लोग तो पता नहीं। कोई दिक्कत? इसका नाम प्रॉप टू इन वन एल। नंबरिंग यहीं से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। एंड इस कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट्रोलीन, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट्रोलीन। इवन मेंस में डायरेक्ट आया था एक्ट्रोलीन का स्ट्रक्चर होता। और ऐसे क्वेश्चन मतलब या तो आते होते हैं या नहीं आते, तो कुछ सोचने लायक तो है नहीं। करें आगे, नहीं वन के बिना चलता है ऐसा कोई नहीं। इसका नाम अरे ये एल डी, ये फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ना, ये तो ईथर तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता था। देखो ईथर में हमने कहा था कम कार्बन इसमें है, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी, और फिर हम कहते थे कि ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, याद आया? तो ये तो अब सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1, 2, 3, 2 मिथॉक्सी
प्रोपेनल, क्लियर? कोई डाउट? कितना आसान है, करें अगला क्वेश्चन। मैं समझाता हूं, अभी तक हमने क्या कहा कि अगर हम इधर सुने, अगर हम कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करते हैं, इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड इन लॉन्गेस्ट चेन, इंक्लूडेड इन लॉन्गेस्ट चेन, तो एल्डिहाइड के केस में हम उसको क्या बोलते हैं? अल। एंड कीटोन में तो हमेशा इंक्लूड करना ही पड़ता है, उसमें भी ऑप्शन ही नहीं होती अपने पास, क्योंकि तो बीच में आता है ना। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको क्या बोलते हैं? अब दूसरा केस क्या बनता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन जा रही है अपनी, लॉन्गेस्ट चेन से हम फंक्शनल ग्रुप को क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा लेकिन वो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, जैसे लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, COH का कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ उसमें लेकिन वो डायरेक्टली अटैच है, तब कैसे करना है? इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू लॉन्गेस्ट चेन, बीच में कोई और बंदा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू लॉन्गेस्ट चेन, तब हम CHO को बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड। एंड इसको हम COH को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब क्या है, देखो, अब देखो पहले समझ लें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मेरा फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक साइक्लिक चेन है और एक बाहर कंपाउंड है, तो या तो हम साइक्लिक चेन को पेरेंट मानेंगे या बाहर वाले को क्या मानेंगे? पेरेंट। अगर मैं इस बाहर वाले को पेरेंट मान लेता हूं तो एक ही कार्बन आएगा, बाकी सब कुछ नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर मैं इस साइक्लिक ग्रुप को पेरेंट मानता हूं तो मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा किससे? लॉन्गेस्ट चेन से। मेरा ये जो फंक्शनल ग्रुप है किससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, और हम कौन सा नॉमनक्लेचर यूज कर लेंगे? कार्बेल्डिहाइड। तो ऐसा नॉमनक्लेचर भी हम यूज कर सकते हैं, एंड रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप ही, तो हमने सुने अभी, तो रहेगा ये फंक्शनल ग्रुप ही, हम इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं कह रहे, रहेगा ये अभी भी क्या? फंक्शनल ग्रुप। बस एक तरीका है नॉमनक्लेट करने का, तो 3-methyl साइक्लोहेक्सेन, 3-methyl साइक्लोहेक्सेन और 1 पे क्या लगा है? कार्बेल्डी। आया समझ या नहीं? नोट करें, 3-methyl साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। ये कुछ नहीं समझ आने वाला, अपना काम कर लो, करो इस क्वेश्चन को ट्राई, इसका नाम बताओ। से किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड, सिंपल है, दोबारा समझो, मान लो मैं ये लॉन्गेस्ट चेन ले लेता तो मेरे ये दो फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड हो जाते, लेकिन इसके साथ तो दिक्कत आ जाती ना, इसको तो इंक्लूड ही नहीं किया बीच में, ठीक है, और मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ कि अल भी कर दूं और कार्बेल्डिहाइड भी कर दूं, नहीं, या तो अल वाले सिस्टम से नेमिंग करनी है या कार्बेल्डिहाइड वाले सिस्टम से नेमिंग करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों को ही लॉन्गेस्ट चेन से बाहर रहने देता हूँ, तब भी मैं फंक्शनल ग्रुप तो तीनों को ही मानूंगा ना। मैंने तुम्हें बताया कि अगर डायरेक्टली अटैच भी है तब भी मैं उसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ? फंक्शनल ग्रुप। तो हम तीनों को ही बाहर रहने देते हैं और तीनों को ही क्या मान लेते हैं? डायरेक्टली अटैच्ड विद लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितना है कार्बन? 3, तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 3 बार है, तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड। हाँ,
लगेगा, वॉवल आप सभी हटता है, ए आई ओ यू। चलो रिदम तुम इस क्वेश्चन का आंसर करो, तुमने तो लिख लिया है। हाँ क्योंकि ए ई आई ओ यू आता है तो घटता है। वन टू डाई कार्बन ली है ना, कितना आसान है। साइक्लो हेक्सेन 1.2 डाई कार्बन ली है, विदाउट। अच्छा एक चीज और, अगर बेंजीन से हम CHO लगाते हैं, अगर हम बेंजीन से क्या लगा दें CHO, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन 1-कार्बेल्डिहाइड। नहीं IUPAC में यूज होता है ये, बेंजीन 1-कार्बेल्डिहाइड भी बोलते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों ही IUPAC में अलाउड है। सिमिलरली अगर हम बेंजीन के ऊपर COH लगा देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बेंजोइक एसिड या बेंजीन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1-कार्बोक्सिलिक नीचे वाला लिखने में थोड़ा लंबा पड़ता है तो हम ऊपर वाला ही मेनली यूज करते हैं। हाँ देखो अब इसका नाम क्या कर सकते हो, अगर हम बेंजल्डिहाइड वाले सिस्टम से करें तो ये 3 पे लगा होगा, ये 1 पे है, तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अगर थोड़ा छोटा करना है तो ये क्या बन सकता है, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। या फिर अगर ये दिमाग में नहीं आता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, कहां से आ गया, 3 ब्रोमो बेंजीन 1-कार्बन, दोनों सिस्टम सही। कोई दिक्कत, पक्का नहीं, अभी तक कुछ समझ आ रहा है, तुम हाँ भी कर देते हो, नो भी कर देते हो, ऐसे भी कर देते हो, फिर तुम्हें सर ऐसे भी कर देते हैं। देखो इसका नाम कैसे बनेगा, ये कीटोन है तो ओन तो आएगा ही आएगा, एन नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, तो फिनाइल प्रोपिल, फंक्शनल ग्रुप है ना वो, उस साइड क्या आया समझ, ये तो तुम लोग कर ही लोगे। 2,4-dimethylpentane-3-O टू फोर डाइमिथाइल, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड्स तो एन, एन थ्री पे क्या लगा है, ओन। कोई दिक्कत, क्लियर, लॉन्गेस्ट चेन नीचे वाली जा रही है, एक ये मिथाइल, हाँ नहीं नहीं ये लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर, गुड आउट, क्लियर या नहीं,
इसका नाम फटाफट आदित्य नाम नहीं क्या हो गया आदित्य कुछ भी समझ नहीं आ रहा ट्राई करना दोस्त सही कर रहा है पहली बार तो बता दो थोड़ा पेंटेन टू कॉमा फोर पेंट एन टू कॉमा फोर डाइन क्लियर कोई भी डाउट पक्का ठीक हेडिंग डाले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एन भी तो आएगा बच्चे एन ई नाइन तो आएगा ही आएगा ना बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ये हमने पढ़ा हुआ रिएक्शन है एंड हाँ क्या हो गया लिखे हुए हैं सारे रिएक्शंस 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम पीसीसी या पीवीसी से रिएक्ट कराएं तो क्या मिलता था एल्डिहाइड डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होती थी इवन 1 डिग्री अल्कोहल के अगर हम कॉपर के साथ डिहाइड्रोजनेशन कराएं क्या कराएं डिहाइड्रोजनेशन तब भी अपने पास क्या मिलता था एल्डिहाइड 2 डिग्री में क्या मिलता था कीटोन दोनों ही केसेस कोई दिक्कत अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो अपने पास क्या मिल जाता है कीटोन यहाँ पे लिखो 2 डिग्री में अभी भी लिख लो अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो क्या मिलता है कीटोन में रिएक्शन दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ एंड अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और कॉपर के साथ भी रिएक्ट कराते हैं 573 केल्विन तब भी अपने को क्या मिलता है कीटोन दोनों ही केसेस में अपने पास क्या मिलते हैं एल्डिहाइड कीटोन इकट्ठे लेके चलो कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कर देंगे ठीक है कोई भी चलता है अगले है ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या है जो प्लस वन में करी थी एंड मुझे पूरा भरोसा है किसी को नहीं आती हो बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स ये ओजोनोलिसिस क्या होती थी देखो होता क्या है बेसिकली अगर अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन है एंड उसको हम किससे रिएक्ट कराते हैं ओजोन से ठीक तो पहले तो अपने को क्या मिलता है डबल बॉन्ड टूट जाता है दोनों का एंड ये जो O3 है ये बीच में एक तरह से रिंग बना देता है घर टाइप बना देता है क्या बना लेता है ठीक
एंड फिर जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, जिंक और वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट कराना है इसको, जिंक वाटर के साथ। अब जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन समझो, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, फाइनली प्रोडक्ट कैसे बनाना है, दो एल्कीन्स को सेम टू सेम वैसा ही लिख लो जैसा था, वो तो एक इंटरमीडिएट है बीच वाला जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वैसे क्या करना है इसमें, डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों ही कार्बन पे क्या बना देना है, डबल बॉन्ड, इस पे भी डबल बॉन्ड ओ बना दिया और इस पे भी क्या बना दिया, अब ये एल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन भी, अगर यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, कीटोन। जैसे मान लो तुमने, अगर मैं तुम्हें कहता कि भी मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 ट्वाइस और मैं इसको रिएक्ट कराता ओजोन जिंक वाटर के साथ, तो देखो फाइनली हमने करना क्या है, बस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे था, इसके साथ एक H लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है CH3, और डबल बॉन्ड कहाँ था, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या लगे हुए हैं, कोई डाउट, देखो ना इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक H और एक CH3, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, दोनों के दोनों, हमने बस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, इन दोनों ही कार्बन पे क्या लगा दिया, एक अपने को एल्डिहाइड भी मिल गया और एक क्या मिल गया, कोई डाउट फॉर नो, क्या बोलते थे ये जो मिल रहा है बीच में, ओजोनाइट, इसको हम क्या बोलते थे, ओजोनाइट। अगला है फ्रॉम एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पास्ट ईयर में तुम देखोगे तो बहुत बार आई है ये, मतलब बीच बीच में यूज हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को बस किससे रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पलेडियम और बेरियम सल्फेट, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन, और इससे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन इससे प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड। तुमने एसिड क्लोराइड लेना है, एसिड क्लोराइड को किससे रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पलेडियम पॉइजन विद बेरियम सल्फेट, इस रिएक्शन को हमने बाय नेम क्या नाम दिया है, रोजनमंड रिडक्शन, एंड इससे क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। बस सीएल हटा के क्या लगा देना है, OH नहीं, एच, किसी ने तो बोला, आई हैव नाम भी लिख लिया, करें आगे, स्टीफन्स, नहीं नहीं स्टीफन्स रिडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है ये भी, कहते हैं कि अगला जन्म लेके आ जाए, थोड़ा सा इस बार केमिस्ट्री में योगदान देके जाए। नहीं नहीं आगे भी तो आने वाला है, क्या पता चलता है किस्मत कहाँ ले जाए, किस्मत को कभी नजरअंदाज मत करो, प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ये नाइट्राइल होते हैं, क्या होते हैं हर्ष, नाइट्राइल, एंड अगर हम इसको देखो, इसमें ना दो केसेस बनते हैं, मैं दोनों यहीं पे करा देता हूँ, एक फोर्थ चैप्टर का पार्ट है, एक थर्ड चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, अगर तुम इसको रिएक्ट कराते हो सिर्फ और सिर्फ टिन HCl के साथ, किसके साथ, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब तो रिडक्शन होती है, हमेशा याद रखना कि मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये हमेशा किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एरिया,
किसका काम करता है? तुम टीन HCl की जगह जिंक और HCl भी यूज कर सकते थे। स्टीफंस रिडक्शन में टीन HCl यूज किया है, ठीक है, तो हमने टीन HCl रखा है, लेकिन तुम जिंक और HCl भी यूज कर सकते हो। है तो मेटल और एसिड ही ना, मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और सारे डबल बॉन्ड को ये क्या कर देता है, रिड्यूस। तो यहां पे दो डबल बॉन्ड थे तो दोनों को हटा के क्या आ गया, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ भी दो डबल बॉन्ड थे तो दोनों को हटा के क्या आ गया। तो अगर सिर्फ टिन और HCl लेते हो तब तो ये मिलता है, इसको हम बोलते हैं अमीन्स। ये लास्ट चैप्टर में आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अमीन्स। लेकिन जो अभी हमने एल्डिहाइड वाली रिएक्शन करनी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्राइल लेते हैं, टिन HCl से रिएक्शन कराते हैं और साथ में डाल देते हैं वाटर। क्या डाल देते हैं, अगर वाटर आ जाता है साथ में तब अपने को क्या मिलता है यहां पे, एल्डिहाइड। क्या मिलता है, तो दोनों लिख लो, दोनों की डिफरेंस क्लियर रहेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ टिन HCl मेंशन किया है तब तो ये फोर्थ चैप्टर की रिएक्शन है। क्या मिलता है, अमीन। अगर टिन HCl के साथ क्या मेंशन कर दिया, वाटर या H+ मेंशन कर दिया तो वो क्या मिला के देगा, नहीं दो स्टेप में होती है रिएक्शन, तुम इकट्ठे लिख लो, कोई डाउट। रिएक्शन विद डाइपोल एच, रिएक्शन विद डाइपोल एच, फिल्ट्रेशन नहीं चल रहा है सब कुछ, रिएक्शन विद डाइपोल एच। डाइपोल एच मतलब, डाइपोल एच क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें तुम ये लिख सकते हो, ये है डाइपोल एच। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है नाइट्राइल्स के साथ और एस्टर के साथ। ये किस किस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स ओनली, फॉर्मिंग एल्डिहाइड्स। क्या बना के देता है, एल्डिहाइड्स। कैसे रिएक्ट करता है वो देख लेते हैं। अपने पास अगर साइनाइड है या नाइट्राइल कह लो या साइनाइड कह लो, बात एक ही है। अगर हम इसको डाइपोल एच से रिएक्ट करा दें, किससे रिएक्ट करा दें, तो बस ये जो सी एन है इसका क्या बन जाता है, सी एच। बिना कुछ सोचे समझे जो सी एन है उसका क्या बना देना है, सी एच। अगर एस्टर है, एस्टर तो हम सबको पता है क्या होता है, इसको भी अगर हम डाइपोल एच से रिएक्ट कराते हैं RCO एज इट इज पड़ा होता है, इसके साथ क्या लग जाता है, H, और दूसरे वाले हिस्से का क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो मेन हमारा इससे काम था, एल्डिहाइड तो बन गया ना। नोट करें, हाइड्राइड है वो गलती से टी लिख दिया गया, ठीक, ये सही कर लेना, ये हाइड्राइड है, डाइऑक्सीब्यूटाइल एल्यूमिनियम
LiLH4 सबसे रिएक्ट करता है क्योंकि उसकी हिंड्रेंस कम है, इसमें बड़े बड़े ग्रुप आ जाए तो हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है, तो ये सिलेक्टिव हो जाते हैं।